तो इस तरीके से अगर आपका भी टॉवेल खराब हो गया है, फट गया है, पुराना हो गया है, तो हर बार जरूरी नहीं होता कि उसका पोछा बनाएं, कुछ नया बना सकते हैं, कुछ अलग बना सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसी वीडियो के अंदर। तो मैं इसको सबसे पहले साइड वाली करनी मुझे कट करनी पड़ेगी क्योंकि ये खराब हो गई है पूरी तरीके से। सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से पुराने कपड़ों का अमेजिंग आइडिया। गाइस, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो देखिए, हमने तीन साइड से जो है इसको इस तरीके से फिनिशिंग दे दी है पाइपिंग के साथ में, ये देखिए। और एक साइड से हमने जो है इसको ओपन रखा है इधर से। तो इसको हमें किस तरीके से पैक करना है वो मैं बताती हूं अभी आपको। तो देखिए, एक छोटा सा कपड़ा लेंगे, लंबाई इसकी 5 इंच है, चौड़ाई इसकी 1.5 इंच है, और इसको इस तरीके से ये देखिए फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए, मैंने यहां पर दो कपड़े लिए हैं, वेलवेट के ही हैं ये। इसकी चौड़ाई है 10 इंच, लंबाई है 7 इंच। अब हम देखिए क्या करेंगे, इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और इधर की तरफ जो है हमें इस तरीके से गोलाई देनी है। अगर नीचे से छोटा बड़ा है तो नीचे से भी देखिए कट करके इक्वल कर लेंगे इस तरीके से। अब जो है हमें यहां से इस तरीके से फोल्ड करना है इसको और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। और देखिए, जो पार्ट हमारा ओपन है उस पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। यहां पर, यहां से देखिए इसको आधा इंच छोड़ देंगे, इधर से आधा इंच छोड़ देंगे, फिर इसको रखेंगे इस तरीके से। और अब देखिए, हमें इसके अंदर इस तरीके से गैदर्स बनाने हैं। और देखिए, यहां पर हमको आधा इंच ये कपड़ा बाहर निकालना है, यहां तक देखिए इसको इस तरीके से रखना है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने अटैच किया, आधा इंच नीचे वाले पार्ट को इधर निकाल दिया, आधा इंच हमने इसको इधर निकाल दिया, इस तरीके से इसको मैंने इसके ऊपर अटैच कर दिया है। अब देखिए, ये वाला जो पार्ट है इसको थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए आप यहां पर कोई भी लेस का लेस अटैच कर सकते हो। मेरे पास लेस नहीं थी तो इस तरीके का देखिए कपड़ा पड़ा था वेलवेट का, तो इसी के ऊपर हम इसको इस तरीके से अटैच कर देंगे। Thank you.
अगर आपके पास यहाँ लेस नहीं हो तो कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर लेस अटैच करो। फिर देखिए इसको डबल फोल्ड करेंगे यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर नोच लगा के इसका सेंटर पार्ट निकालेंगे इस तरीके से। अब जो हमने छोटी सी लूप बनाई है इसको इस तरीके से पकड़ेंगे देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर जो है इसको हम पिनअप कर देंगे। तो दो पिन की जरूरत पड़ेगी हमको, एक इधर की तरफ लगाएंगे और दूसरी दूसरे पार्ट पर इस तरीके से लगाएंगे। अब हमको क्या करना है, इसको देखिए हम सीधी साइड ऊपर करेंगे, इसकी सीधी साइड ऊपर करेंगे और इस पार्ट को इसके ऊपर कुछ इस तरीके से रख के यहाँ पर जो हम सिलाई लगाएंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, छोटे छोटे कट इस तरीके से लगाने हैं इसके अंदर। ध्यान रहे सिलाई नहीं कट जाए, इस तरीके से इसमें पूरे में राउंड में हम कट लगा देंगे। अब हम इसको सीधा करेंगे, पहले यहां सिलाई लगानी है इसके। तो इस तरीके से ये जो है हमारा किचन टॉवल बनकर रेडी हो जाता है। आप इसको बाथरूम में भी यूज कर सकते हो और इस तरीके से आप अपने किचन में यूज कर सकते हो। ये देखिए जब हम किचन में बर्तन वॉश करते हैं या फिर किचन में जो है सफाई कर रहे होते हैं उस टाइम बार बार हमको हाथ पोंछने पड़ते हैं। तो ये देखिए ये डैमेज हो गया था ये टॉवल, और जो है मतलब साइड में से डैमेज हुआ था, बाकी ये अभी जो है काफ़ी दिन और चल जाएगा। ये देखिए इसकी जो रोई है ये अभी भी नई पड़ी है। तो इस तरीके से आप जो है पुराने टॉवल का यूज कर सकते हो। मैं उम्मीद करती हूँ आज का ये आइडिया आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय।